For the reaction, 2A plus B gives A to B. The rate equation is given to you. Rate equals K into A into B square. K is given to you. 2 into 10 raised to minus 6 liter square mole raised to minus 2 second inverse. Initial rate of reaction आपको find out करना है, at which concentration of A is 0.1 molar, concentration of B is 0.2 molar. तो first of all आपको initial rate find out करना है, तो initial concentration ध्यान में लो. तो rate equals K B raised to 2 K 2 into 10 raised to minus 6 A का concentration 0.1 B का concentration 0.2 उसका square तो 2 का square 4 4 to 8 8 into 10 raised to अब देखो इसका minus 1 और इसका minus 1 raised to 2 तो minus 2 और minus 3 and minus 6 overall is minus 9 और unit होगा इसका molar second inverse. Very easy. मतलब सब वैल्यूज पुट डाउन कर दी, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू. रिड्यूस्ड टू का मतलब होता है ये जो रिएक्शन दी है ना, 2A प्लस बी गिव्स ए टू बी. इसमें इनिशियली आपको दिया था 0.1 मोलर और 0.2 मोलर. अब यहां पे यूज्ड होगा और रिमेंड, याद करो अपना इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो इसमें यूज रिमेंड हम ऐसे लिखते हैं. तो आपको फाइनल कंसंट्रेशन दे दिया है दैट इज 0.06 मोलर, तो ये यूज कितना होगा, तो 0.1 माइनस 0.06 यूज होगा, तो कितना बाकी बचेगा, मतलब चलो ये 0.1 था और 0.06 बाकी बचता है, तो यूज होगा इन दोनों का डिफरेंस, तो ये मिला हमें 0.04 मोलर. और अब हम यहां पे क्या लिखेंगे पता है, इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन, कि अगर दो ए यूज हो रहे हैं तो हमें एक ही उस टाइम पे एक ही बी यूज होगा, मतलब ये ए जितना यूज होगा बी उसका हाफ यूज होगा, तो 0.04 यूज हो रहा है तो यहां पे यूज होगा 0.02 मोलर. तो रिमेंड मोल्स कितने बचेंगे, तो 0.2 था और 0.02 यूज हुआ, तो बाकी बचा 0.18 मोलर. फिर से एक बार देख लो, और ध्यान से देखना इस बार, यहां पे मैं लिख रहा हूं यूज्ड और यहां पे रिमेंड. आपको दे दिया है कि जब ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होके 0.06 मोलर बचता है, दिस इज द रिमेंड कंसंट्रेशन, तो उस टाइम पे यूज कितना होगा, 0.1 था और 0.06 मोलर यूज हो रहा है, तो बाकी कितना बचेगा, 0.04 मोलर. सिमिलरली यहां पे अब जब 2A यूज हो रहे हैं उस टाइम पे 1B यूज होगा, तो 0.2 यूज हो रहा है, अरे सॉरी 0.04 मोलर यूज हो रहा है, तो यहां पे इसका हाफ 0.02 मोलर यूज होगा. अब 0.2 इनिशियल था ये यूज होके, यहां पे क्या मिलेगा हमें, 0.2 माइनस 0.02 इट इज 0.18 मोलर. भाई कोई डाउट? ओके, बीजी वार समझाई ले वधार क्लियर थयो हशे है ने. सो रिमेंड कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.06 मोलर, रिमेंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 0.18 मोलर, एंड के इज एज इट इज,
टू इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स लीटर स्क्वायर मोल रेस टू माइनस टू सेकेंड इनवर्स। तो अब आपको उस टाइम पे जेट फाइंड आउट करना है, तो जेट इक्वल्स होगा सेम फॉर्मूला के इंटू ए इंटू स्क्वायर ऑफ बी। के होगा 2 इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए होगा 0.06 इंटू बी होगा 0.18 का स्क्वायर। तो यहां पे होगा 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 0.18 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 0.06। डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 2.03888 मतलब 3.89 इंटू टेन रेस टू माइनस 3 और पहले से माइनस 6 है ही तो माइनस 9 मोलर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट द डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया। चलो अमोनिया की डीकंपोजिशन की रिएक्शन लिख देते हैं हम। 2NH3 gives N2 plus 3H2 और पहले से आपको दे दिया है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। सो व्हाट आर द रेट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इफ के इक्वल्स 2.5 इंटू टेन रेस टू माइनस 4 मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, आपको पहले से जीरो ऑर्डर दे दिया है तो रेट इक्वल्स होगा के इंटू अमोनिया और उसका कंसंट्रेशन उसका पावर होगा जीरो। चलो किसी का भी पावर जीरो दैट इज 1 सो दैट रेट इक्वल्स के। अब इक्वेशन से हम रेट का फॉर्मूला लिखते हैं मतलब रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो रेट इक्वल्स वी कैन राइट -1/2 dNH3/dt इक्वल्स प्लस dN2/dt इक्वल्स प्लस 1/3 dH2/dt। अब आपको पूछा है रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 तो N2 का प्रोडक्शन यही है दैट इज रेट एंड रेट इक्वल्स के सो दैट प्लस dN2/dt इट विल बी K और K आपको दिया है 2.5 इंटू टेन रेस टू माइनस 4 मोलर सेकेंड इनवर्स एंड dH2/dt आपको पूछा है देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ H2 लेकिन उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3 इक्वल्स K। तो यहां पे हम लिख पाएंगे dH2/dt प्लस लिखने की जरूरत नहीं है 3K मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू टेन रेस टू माइनस 4 सो इट इज 7.5 इंटू टेन रेस टू माइनस 4 मोलर सेकेंड इनवर्स। चलो अब जो रिएक्शन क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं पहले तो उसका एक टाइप देख लो। For a reaction, A plus B gives C, rate equals K A into B square. So, if concentration of A increases by 4 times, and concentration of B increases by 2 times, then what will be the new rate of reaction
विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड वन, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे V1, मतलब ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, न्यू होगा V2, तो V1 के लिए हम लिखेंगे K A इंटू बी स्क्वायर, ये आपको दे दिया है। अब हमें लिखना है यहां पे न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, तो A कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स, और B हो रहा है ट्वाइस, तो V2 इक्वल्स K इंटू, A के जगह पे 4A और B के जगह पे 2B और उसका स्क्वायर, सो दैट V2 इक्वल्स, चलो 4 आगे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और दूसरा ये मल्टीप्लीकेशन में आया, अब क्या होगा, बचा क्या A, चलो ये तो पता है ना यहां पे पावर 1, तो इसकी इफेक्ट देख के आकर भेजो, यहां पे भी इसकी इफेक्ट देख के आके भेजो, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 और बाकी का बी स्क्वायर तो था ही, तो ये हुआ 4 4 16, और ये जो बचा दैट इज अवर वी वन, देखो ये अपना वी वन था, त्रास से आ रहा तो ये है अपना V1, तो मतलब न्यू रेट ऑफ रिएक्शन V2 इक्वल्स 16 V1, मतलब न्यू रेट of reaction becomes 16 times, okay? तो नया rate of reaction होगा 16 times. अब मैं question सब short में लिखूंगा. Next देखते हैं. Reaction again A plus B gives C. उसके लिए आपको rate दिया है K into A रेस टू 3 और B का स्क्वायर रूट. चलो A हमने किया ट्वाइस और B हमने किया हाफ कर दिया, सो व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड वन, तो मतलब यहां पे हम लेंगे V1 इक्वल्स K इंटू A क्यूब इंटू बी रेस टू 1/2, अब K A होगा 2A रेस टू 3 और B होगा 1/2 रेस टू B, हाँ गुड, तो यहां पे मिलेगा हमें 2 रेस टू 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 इक्वल्स के इंटू ए क्यूब बी रेस टू 1/2 मल्टीप्लीकेशन की साइन, और ये होगा अपना वी वन, तो यहां पे हम लिखेंगे 4√2 वी वन, चलो कैसे आएगा 4√2 देख लो, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 एक 2 का मतलब है, चलो ये 2√4 ले लिया हमने, ये 2 का मतलब है √2 × √2 डिवाइडेड बाय √2, एक √2 कट, तो ये यहां पे हुआ 4√2। नेक्स्ट अब ध्यान से देखना A प्लस B गिव्स C, रेट इक्वल्स के इंटू ए रेस टू 1/4 एंड बी रेस टू 1/3, अब ए का कंसंट्रेशन हमने किया 64 टाइम्स और बी का कंसंट्रेशन किया हमने 8 टाइम्स,
तो व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वन। चलो अब ये सॉल्व करते हैं हम। अल रिकॉर्डिंग चालू है ना। हाँ चलो v1 इक्वल्स k इंटू a रेस टू 1/4 b रेस टू 1/3। अब k ये हमने 64 टाइम्स किया है और ये हमने 8 टाइम्स किया है, तो 64 का 1/4 क्या होगा? तो पहले बार स्क्वायर रूट 8 और 8 का होगा 2√2 इंटू के इंटू 1/4 और बी रेस टू 1/3 और यहां पे 8 का क्यूब रूट और वो होगा 2, तो यहां पे आंसर आया 4√2 और ये है अपना v1। Thus our answer is 4√2। मतलब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट पावर दे देंगे। ओके तो मतलब ये पार्ट तो अपना इजी हुआ। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, अगर आपको दिया है ए गिव्स बी, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स, रेट बिकम्स डबल, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स डैश, चलो तो यहां पे गुड। तो यहां पे आपको v1 k इंटू a रेस टू n, चलो ये n आपको पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे? तो ध्यान से देखना, v1 इक्वल्स k इंटू a रेस टू n। अब नया रेट ऑफ रिएक्शन होता है, बनता है 2 टाइम्स, मतलब 2v1 बनेगा। कब? जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ए लेते हैं 8a। तो अब हम क्या करेंगे यहां पे? ओके सो अब हम यहां पे लेते हैं v2 डिवाइडेड बाय v1। अब v2 क्या होगा? k इंटू 8a रेस टू n डिवाइडेड बाय k इंटू a रेस टू n। चलो k कट, v2 के जगह पे हम लेंगे 2v1 अपॉन v1 कट, यहां पे होगा 8 रेस टू n a रेस टू n। रूल पता है ना, x मल्टीप्लाइड बाय y होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब होगा x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 रेस टू n। सो यहां पे फिर से v2 की जगह पे 2v1 लिखा, k कट हुआ, 8a रेस टू n है, तो उसका मतलब हुआ 8 रेस टू n, n रेस टू n कैसे है? अगर x मल्टीप्लाइड बाय y होल स्क्वायर है, तो ये ये स्क्वायर दोनों को अप्लाई होगा, तो जिससे हमें यहां पे मिला 8 रेस टू n इंटू a रेस टू n, दोनों में a रेस टू n कट, तो यहां पे हमें मिलेगा 2 इक्वल्स -3 ना था भाई, मैथ्स मत चल दो, 8 रेस टू n, ये 2 रेस टू 1, 8 का मतलब हुआ क्यूब ऑफ 2, मतलब 2 रेस टू 3n होगा, तो यहां पे होगा 1 इक्वल्स 3n, दैट्स वाई n इक्वल्स 1/3, तो ये ऐसे होगा।
सो एन हुआ 1/3। सिमिलरली नेक्स्ट अब थोड़ा टिपिकल लेते हैं, ए गिव्स बी रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 27 टाइम्स करते हैं और रेट बनता है 81 टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे यहां पे रेट इक्वल्स, दैट इज V1 इक्वल्स, हा ध्यानेश बराबर है, रेट इक्वल्स V1 इक्वल्स के इंटू रेट इक्वल्स V1 इंटू के रेस टू N, N हमें पता नहीं है, न्यू रेट V2 इक्वल्स K, यहां पे हम लेंगे 27 पावर आएगा N एंड रेट बिकम्स 81 V1, फिर से V2 बाय V1 इक्वल्स के इंटू 27 ए रेस टू एन अपॉन के इंटू ए रेस टू एन, 81 V1 कट, के कट, ए रेस टू एन कट, फाइनली यहां पे बचेगा 81 इक्वल्स 27 रेस टू एन, 27 मीन्स 3 रेस टू 4 और 27 मीन्स 3 रेस टू 3 और एन मल्टीप्लीकेशन में, सो दैट 3n इक्वल्स 4, n इक्वल्स 4/3, तो मतलब ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सो एक्सरसाइज के 4.6 और 4.9 ये दोनों होमवर्क में कंप्लीट करने सबसे इजी है वो, ओके? और साथ में आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं, तो ये होमवर्क आपका कंप्लीट चाहिए मुझे विद इन 3 डेज़।